सिसई थाना क्षेत्र के कुदरा मोड़ के पास बुधवार रात लगभग 9:35 को सिसई के ग्राम लाकिया निवासी फूलचंद उराव 22 वर्ष और लापुंग थाना डिम्बट वनटोली निवासी सुनील उराव उम्र 25 वर्ष का हाइवा ट्रक से मोटरसाइकिल की टक्कर होने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे दोनों सिसई बस्ती से मेहमानी करने के बाद लापुंग जा रहे थे, उसी समय यह घटना घटी। घटना घटने के बाद दोनों व्यक्ति के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। इसी में फूलचंद उराव के एक रिश्तेदार कैलाश उराव अपने फोन से अपने परिजनों को घटना की जानकारी दे रहे थे, उसी समय सिसई थाना के थाना प्रभारी ने उसका मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया और मोबाइल चूर चूर हो गया। इस घटना के घटने के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। सभी ने मिलकर घटनास्थल के दोनों ओर टायर जला दिया और सड़क जाम कर दिया। थाना प्रभारी के व्यवहार को लेकर ग्रामीण काफी क्रोधित हुए। मेरा नाम है कैलाश राम, मैं लक्का का रहने वाला हूँ। कल का घटना हमको फोन के द्वारा मिला, फिर गए वहाँ, वहाँ उठा रहे थे मेरा ससुर जी, जिसको जो डेट किया था उसको उठा रहे थे। फिर वहाँ बड़ा बाबू आया, फिर मेरा मोबाइल छीन के पटक दिया। उसके बाद वहाँ के गांव सारे लोग गांव के आए, फिर वहाँ रोड जाम किए। उसके बाद जाम किए, उसके बाद सीओ वीडियो सब आए वहाँ, फिर मोहल्लादे ने की मांग कहे तो वहाँ केंद्र करके बोले हैं। कुदरा मोड़ के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, जिससे दो स्पॉट तो हो गए हैं और यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ पे है, क्या है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है और उधर हो गया है अभी वो दोनों, हमको लगता है कि स्पॉट हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, ये बहुत ही दुखनीय बात है। हम बोलना चाह रहे हैं प्रशासन से भी कि सिसई चौक से सिसई टाउन के ये अंदर कुछ ये किया जाए, जिससे एक्सीडेंट की संख्या कम हो। मेरा नाम तेजनारायण सिंह हुआ, सिसई युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजयुमो सिसई। मोटरसाइकिल से दो लड़के सवार थे और अज्ञात वाहन आकर के दोनों को भयानक एक्सीडेंट करके और कचट के चली गई। दोनों लड़कों को घटनास्थल पर भी मृत्यु हो गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है, उसका पता चला है कि ये लकिया का दोनों लड़का है, उसका परिजन लोग आ रहे हैं, उसी के इंतजार में हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया थाना उठा कर ले जाया जाएगा। तो अब कितना आदमी समझावे है, पर तो कहेगा कि हम ठीक से धीरे चलाएंगे, लेकिन स्पीड अपना कम थोड़े करता है, नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।